हरिद्वार में गंगा की अविरलता और अस्मिता के बचाव को प्रयास कर रहे मातृ सदन अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। ग्लोबल गॉड मदर फाउंडेशन की संस्थापक भावना पांडे ने प्रेस वार्ता कर मातृ सदन के परमाध्यक्ष को फर्जी बताया। बता दें कि देहरादून रायवाला से लेकर हरिद्वार के भोगपुर तक गंगा में खनन पर रोक लगी थी, वहीं अब जल्द खनन शुरू होने के आसार होने से खनन वाले जहां खुश हैं, वहीं मातृ सदन आगामी 27 तारीख से जल त्याग कर अपने चल रहे अनशन को केंद्र तक पहुंचाना चाहता है। तो झूठ करता है, 180 दिन कोई जिंदा रह सकता है क्या? 7 दिन 15 दिन उत्सव पर आज मेरे साथ खुद मातृ सदन वाला बैठे, मैं चाहती हूँ 3-4 लोग मैं अपने बिठाऊं, वो खुद क्यों नहीं धरने में बैठता? झूठ है, फ्रेम है, पब्लिक को आप खुद सोचिए, 180 दिन बिना खाए पे कोई जीवित रह सकता है? सवाल का जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डॉक्टरों से जांच कराइए, वो खा रहा है पी रहा नहीं, ये सब लीगल खंड को डिस्टर्ब कर रहा है और ये गलत है। अभी साजिश इसी का है, क्योंकि अग्रवाल साहब अपना अनशन तोड़ना चाहते थे, इसने जबरदस्ती उनको मैसेज कर करके रोक रोक के उनको मरवाया, इसके ऊपर 302 भी लगनी चाहिए।